अफगानिस्तान से आने वाले सामान की जो यकतरफा आमदरफ्त है वो खोली जा रही है, यानी कि जो अफगानिस्तान से फल हैं वो भारत की तरफ जाने का जो रास्ता हमने बंद किया हुआ था वो खोला जा रहा है। यूएनओ में आपकी बात सुनता कोई नहीं है, दो मुल्कों के अलावा टर्की और चाइना, इनके अलावा तीसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जी दुनिया कोई हमारे साथ के कश्मीरी तराने सुन के आंखों में आंसू लेके हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। OIC जिसकी बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं है, उससे एक प्रेस रिलीज और रेजोल्यूशन लेने के लिए बकायदा मिनते करनी पड़ती हैं जाके। अभी आपने पाकिस्तान टीवी पर चल रहे एक परिचर्या का कुछ अंश सुना। परिचर्या में 13 जुलाई 2020 को अफगानिस्तान से भारत के लिए व्यापार हेतु रास्ता खोल देने के लिए सरकार की आलोचना की जा रही है, जब भारत सरकार ने पिछले साल 5 फरवरी को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भारत को जोड़ने वाली सड़क जो पाकिस्तान से होकर जाती है उस पर आवाजाही रोक लगा दिया था और तब से भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार बंद है, परंतु अब 13 जुलाई को वह खोल दिया गया है। आपको यह बताते चले कि 13 जुलाई 1931 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध वहां के कुछ लोगों ने आंदोलन किया था और उसमें गोलाबारी हुई थी जिसके फलस्वरूप 22 आंदोलनकारी मारे गए थे। तभी से कश्मीर में यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा पाक अधिकृत कश्मीर में भी यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने जो पिछले साल से यह दिवस का मनाना बंद कर दिया है, परंतु इस वर्ष पूरे पाकिस्तान में इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था। अब वहां पर सरकार की यह कहकर आलोचना हो रही है कि अगर रास्ता खोलना भी था तो 13 जुलाई के दिन तो कम से कम नहीं खोलना चाहिए था। सुनिए आगे परिचर्या में क्या चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान से आने वाले सामान की जो यकतरफा आमदरफ्त है वो खोली जा रही है, यानी कि जो अफगानिस्तान से फल हैं वो भारत की तरफ जाने का जो रास्ता हमने बंद किया हुआ था वो खोला जा रहा है। पहले भी ये फल जाते हैं, लेकिन जब से कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की थी तो हमने भारत की अफगानिस्तान की इस एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ये ऐलान करना कि भारत को जो सहूलत हासिल थी और जो हमने 5 अगस्त को सस्पेंड कर दी थी उसको हम फिर बहाल कर रहे हैं, एक आध दिन आगे पीछे कर लेते यार, मेरा मतलब है एहन उसी दिन ये कहना सिंबॉलिकली, तो कैसा देखते हैं आप इसको? हुकूमतों के मुफादात होते हैं रजी साहब, और हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करती रहती हैं और बज़ाहिर वो कुछ होती हैं लेकिन इख्तियार कुछ कर लेते हैं। इसी तरह जो कुछ हुकूमत अपने अहलकारों को, अपने अहदेदारों को जो अहकाम देगी वैसे ही, और ये मेरे ख्याल में बड़ी मायूसी शर्मिंदगी की बात है कि अगर आज के दिन ये ना जारी किया जाता ऑर्डर और ये सहूलत जो है ये बहाल ना की जाती तो इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप देखिए ना, फ़र्क कई एक चीज़ों से पड़ा है। आप जब से ये कश्मीर का स्टेटस मकबूजा कश्मीर का चेंज किया भारत ने, तो उसके बाद हमने किया क्या है? हम तकरीरें कर रहे हैं, हम उनसे मजाक कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करेंगे कश्मीरी आवाम के लिए, लेकिन हम अपने मुल्क में फंसे पड़े हैं और एक नहीं, खत लिख रहे हैं हम, खत देखिए अंग्रेजी के। अब ये मुझे इस खारजा पॉलिसी की ये नहीं, आज के दौर में ये फिर खत भी छोड़ें, टेक्स्ट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें कि एक हमने बयान जारी कर दिया है, इतना ही काफ़ी है ना जी, फिर बाकी मुल्कों के वज़राए खारजा के लिए। और फिर इसी वजह से आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हशर भी देख लें, इस्लामी ममालिक की तंजीम के पास जाके आपको बड़ी मुश्किल से कश्मीर पर अपनी कोई बात मनवाना पड़ती है, वो भी आपको कोई मान जाए उसमें, वो जो दोस्त आपके जो पिछले 70 साल से आपके साथ थे उनकी मिन्नत आप करते हैं उसके बाद जाके वो मानते हैं। यूएनओ में आपकी बात सुनता कोई नहीं है, दो मुल्कों के अलावा टर्की और चाइना, इनके अलावा तीसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मलेशिया भी कर ले साथ, मलेशिया वो ठीक है उसका एक रहा ना, लेकिन अब देखें कि अब क्या तब्दीली उसमें, वहां पे क्या तब्दीली आती है। तो ये दो मुल्कों के अलावा मैं समझता हूं कि कोई तीसरा मुल्क ऐसा नहीं है वहां पे सलामती काउंसिल में, अकवाम मुत्तहदा में, जो हमें उस तरह से बासर मुल्क जो सपोर्ट करता हो। बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं, हम भी खानापुरी का काम कर रहे हैं और ऊपर से भारत के लिए इस तरह की सहूलतें हम देके, तो कश्मीरी अवाम के वाकईतन ये जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है। इसका पता करना चाहिए इमरान खान को कि ये किसने आज का दिन सिलेक्ट किया, ये वज़ीर ख़ारिजा साहब का ये कारनामा है, शाह महमूद कुरैशी साहब का, या फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये फैसला हुआ?
क्योंकि इतना बड़ा फैसला किसी छोटे लेवल पे तो रिजर्व हो नहीं सकता ना। प्राइम मिनिस्टर के लेवल से कम ये बात नहीं हो सकती। जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये अहकाम दिए, जिसके कहने पे ये सारा कुछ हुआ, उन्हें कौम के सामने बताना चाहिए कि हमने क्या सोच समझ के आज का दिन जो है वो रखा था। अगर इस दिन के बारे में वैसे किसी को मालूम नहीं था तो कोई कैलेंडर तो कम से कम सामने होगा ना। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया आज सबसे पहले, उनका ट्वीट आया इसके ऊपर, उन्होंने कश्मीर की जो शोहदा है उनकी कुर्बानी। कल भी उनका एक ट्वीट था ना, जो पहले हमें पता चला यूट्यूब पे नहीं, उसको रोक लिया गया था। तो अब उनको तो जाहिर पता था कश्मीर के बारे में, लेकिन ये जो फैसला किया गया, बहरहाल ये एक फैसला नहीं मैं समझता। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हुकूमत जो है पाकिस्तानी अवाम का, अवाम के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ सीन है। इससे हटके क्या हो रहा है ये जब कोई वक्त आएगा, वक्त गुजर जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि हमने मतलब अपनी पॉलिसी में कब तब्दीली ये लेके आए थे। ठीक इसार राणा साहब, जबकि जाहिर है कि हमारा ना कोई इरादा है, हम तो सिर्फ दिफा के उसमें रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त आप मुतमईन हैं ना कि जो कुछ, जिस तरह हम कश्मीर को इंटरनेशनली इसके ऊपर बात कर रहे हैं और अपना खारजा महाज के अंदर ऊपर, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की है खारजा महाज के ऊपर, तो डेफिनेटली वो मुतमईन होंगे और उनके हामियों को भी मुतमईन होना चाहिए। क्या ख्याल है? देखिए रजी साहब, दुनिया के अंदर जो मुमालिक से ताल्लुकात होते हैं वो कुछ जज्बात और कोई रोमांटिज्म पे नहीं मबनी होते, ये सारे मुफादात के ऊपर होते हैं। दुनिया जब पाकिस्तान और इंडिया का फैसला करती है तो वो अपने दोनों मुमालिक से जुड़े वाबस्ता जो मुफादात है उनको देख के फिर अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाती है। तो पहले भी कभी जब हम बहुत किसी सुनहरी दौर में थे और तब भी कुछ पूरी दुनिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ी हुई थी किसी दौर में भी, किसी मौके पे भी, सिवाय एक जब आपने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की और मुस्लिम मुमालिक जो थे वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, ये एक वो वाहिद मौका था जब तमाम इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान की सरहद पे आके उन्होंने एक अल्लाह को सजदा किया और फिर उसके बदले में आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी भी दे दी। तो ये हमें को तवक्को रखना कि जी दुनिया कोई हमारे साथ के कश्मीरी तराने सुन के आंखों में आंसू लेके हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, ना ऐसा होगा। अब पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो मैं तो दबे दबे लफ्जों में अपने इस खौफ और खदशे का इजहार करता हूँ कि जब ये फैसला 3 माह पहले हुआ था, अमेरिकन मीडिया के मुताबिक हो गया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये हमें ना पता होता कि जी ऐसा हो रहा है। और उस मौके पे हमारी मुजरिमाना खामोशी, दरअसल मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी जरूर है जो वक्त आने पे खुलेगी। मैं अभी कोई ज्यादा नहीं वो कहना चाहता। चलिए अब हमारे पास एक ही जी इस पे एक सवाल ले लीजिएगा। अभी आपने कहा कि जज्बात और रोमांस के ऊपर फैसले नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि ना इसे पाकिस्तान ने आजाद कराना है, ना इसे सऊदी अरब ने आजाद कराना है, ना OIC ने, ना अक्वामे मुत्तहिदा ने। चौधरी जहीर साहब, जो है जब अफगानिस्तान के अंदर हो रही थी रशियन इंटरफेरेंस थी, तो उस दौर के अंदर मुझे याद है कि सिर्फ 6 वोट पाकिस्तान के मुखालफ पड़ा करते थे जब पाकिस्तान जो है इस अग्रेशन के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके जाता था। और हालांकि वहां पे उस वक्त दुनिया के अंदर बकायदा 2 ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे और बाकी सारी पाकिस्तान की हमायत के अंदर जो थे वो वोट डाला करते थे। मैं UNO की बात कर रहा हूं और उस वक्त जो हमारे पास फॉरन ऑफिस था। और अब UNO तो छोड़ें, अब जैसे कि भाई ने हमारी रहनुमाई की, तो अब तो हमें OIC जिसकी बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं है उससे एक प्रेस रिलीज और रेजोल्यूशन लेने के लिए बकायदा मिनतें करनी पड़ती हैं जाके, और वो जो है वो इंडिया के वजीर खारजा को बुला के उससे सेशन प्रिजाइड करवाते हैं। तो आई मीन डिक्लाइन तो आया है ना सर फॉरन पॉलिसी के अंदर? थैंक यू रिजवान, बिल्कुल आया है जनाब। ये जो हमारी डिप्लोमेसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी, आज तक 2 ही तो है मेन इशू हमारे, एक अफगान इशू और एक कश्मीर इशू। मसला ये है कि जो कौमों के दरमियान मुख्तलिफ जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनके अंदर टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ये देखें 1948 के बाद
जब यूनाइटेड नेशंस में गए और हिंदुस्तान हाँ एग्री किया यस प्लेबिसाइट के लिए और वो पीछे हट गए। फिर अभी आप उसके बाद देखें, अगर आज तक कश्मीर के को वे फॉरवर्ड हुआ है, दो कंक्रीट मौके आए हैं, सही एक जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जब मिले थे, जब ये सीज फायर लाइन LOC में कन्वर्ट हुआ था, और दूसरा अगर आपको याद हो जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी का जब मुलाकात हुई थी, जो 4 पॉइंट फार्मूला था, वो एक हल के करीब पहुंच गए थे। सो एक चीज बड़ी तय है कि तीन जंग के थ्रू बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान को राजी कर लें, लेकिन हम नहीं कर पाए। जिस वक्त का जो वक्त का आप हवाला दे रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग पोजिशन में था। पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का एलाई था और पाकिस्तान को फंडिंग्स बहुत ज्यादा आ रही थी और उस वक्त पाकिस्तान की सुनवाई होती थी। और अचानक हमें ये ना पता होना, जो ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो हुआ 370 एंड 35 सही ए, सही ये एक बहुत बड़ा फेलियर था हमारी फॉरेन पॉलिसी में, बिल्कुल जिसको ठीक हम है, टाइमली रिएक्ट ना कर सके। वो सही वजह यही है कि अल्टीमेटली अगर आप देखें, हमें अभी वो सकत नहीं रहेगी। हम इकोनॉमिकली टोटली कोलैप्स ऑलमोस्ट सही हुए पड़े हैं, और सही इसीलिए दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ है। और इंडिया की सही स्मार्ट मूव ये देखें, अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ है चाइना के साथ, आप ये बिल्कुल ठीक देखें, है। अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज ने रियलाइज किया, और छोटा मोटे टिकटॉक चलती रहेगी, लेकिन ऑलमोस्ट मेजर जो कन्फ्लिक्ट था वो इस चीज को उन्होंने एक दूसरे के कंसर्न एड्रेस कर लिए। तो यही हमारा है, हम मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं। इस दौरे हुकूमत में तो खैर बिल्कुल ही हमने हाँ, पीछे ये लेट गए। मुशर्रफ जब भी आते हैं, ये उनके उन्होंने उस वक्त बेड़ा गर्क किया था, अब उनके जो दवाहकीन हैं मफादात का मसला है ना मुशर्रफ जी, साहब के, उन्होंने अब बेड़ा वो गर्क कर दिया। मफादात का बड़ी लड़ाई है हमारी असल में उनके साथ। हम उनको बिल्कुल मॉरली सपोर्ट करते हैं, कौम की बात कर रहा हूं मैं, बाकियों की बात नहीं कर रहा। हम तो खुद OIC में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हमने किसको क्या कहना है। जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान हैं खातून, देखने में बहुत भली मालूम होती हैं, आप कभी उनका फैशन देखें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसको भी मालूम नहीं होगा बेचारी को कि ये जो यौम शहदाए कश्मीर है इसकी क्या अहमियत है। इस तरह के एक बैज के साथ इंटरेक्शन किया तो मैं सर पिट के रह गया कि इतने घटिया, और मैं घटिया का लफ्ज़ ज़्यादा सख्त हो जाता है, इतने लो IQ के बच्चे जो है वो CSS करके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में। आप समझ ही गए होंगे कि भारत ने किस प्रकार अफगानिस्तान सरकार के माध्यम से पाकिस्तान पर अपने कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव बनाया, जिसके चलते पाकिस्तान को अपने 1 साल पुरानी नीति में बदलाव करते हुए रास्ता देना पड़ा। आज का भारत विश्व मंच पर प्रभावी भारत है, प्रतिष्ठित भारत है, और हम सब भारतवासियों को इस पर गर्व है। आप अगर मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो डाला जाए तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।